विशाल और सोनम की शादी के बाद से ही शुरू हुई कुछ अजीब घटनाएं, जिसने उनका पीछा हनीमून पे भी नहीं छोड़ा। अपनी बीवी सोनम की हरकतों से विशाल इतना परेशान हो गया था कि उसने हनीमून बीच में ही छोड़कर वापस गुवाहाटी जाने का फैसला किया। फ्लाइट जब कोलकाता में थोड़ी देर के लिए रुकी तो अचानक ही सोनम ने बंगाली में कहा, सुन कृष्णा, काली बाड़ी जाओ। इस बार परेशान होकर विशाल ने दांत भींचते हुए कहा कि अगर तुम्हारी ये नौटंकी बंद नहीं हुई तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जिसे सुनते के साथ ही सोनम ने कहा, सॉरी, जाओ ना। वापस घर पहुंच के जब सारी बातें घर पे बता के विशाल अपने रूम की ओर जा रहा था तो पीछे से सोनम की सास ने धीमे से कहा, दिक्कतें तो होगी, भूतनी से जो शादी कर ली है मेरे बेटे ने। उनके मुंह की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सोनम ने पलट के जोर से चीखते हुए कहा, ठीक बोले चीश। सोनम चीखने के तुरंत बाद ही बेहोश हो गई। किसी तरह उसको रूम में ले जाकर विशाल ने बेड पर सुला दिया। सोनम बहुत देर तक सुकून से सोती रही और शाम को पूरे घर में ढूंढने पे भी सोनम कहीं नहीं दिखी। जब पूरे घर में और बिल्डिंग में छानबीन करने के बाद विशाल छत पे पहुंचा तो छत के एक कोने में बैठी सोनम रोती हुई उसे दिखाई दी। विशाल को कभी भी इतना गुस्सा नहीं आया था जितना अभी सोनम को देख के आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? तुम्हारी वजह से सोना, खाना, जीना सब कुछ मेरा हराम हो गया है। चाहती क्या हो तुम मुझसे? सोनम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विशाल को आधी ताकत से ही एक धक्का गुस्से से मारा और विशाल बड़ी दूर जाकर गिरा। इस धक्के से वो समझ गया था कि ये सोनम तो नहीं है, क्योंकि सोनम के लिए इस तरह की चीज कर पाना शायद इम्पॉसिबल थी। उस दिन रात को विशाल नहाकर आईने के सामने खड़े होकर कंघी कर ही रहा था कि उसने आईने में ही अपने पीछे देखा कि बेड पर बैठी सोनम ऊपर देखते देखते अपने आप से ही बात किए जा रही थी। चली जा। विशाल ने जोर से सोनम को झकझोड़ा और चिल्लाया, क्या कर क्या रही हो तुम सोनम? पागल हो गई हो क्या? जीना दुश्वार कर दिया तुम्हारी इन हरकतों ने मेरा। विशाल की बातें सुनकर सोनम के गले से सिर्फ एक ही आवाज निकली, ये तुझे कालीबाड़ी लेकर नहीं जाएगा, और अगर ये नहीं ले गया तो तू मुझे ले जाएगी ना? तू मुझे ले जाएगी ना? विशाल ने बिना टाइम वेस्ट किए अगले दिन सुबह कोलकाता की फ्लाइट के टिकट्स बुक करवाए और सोनम को लेकर पहुंचा कोलकाता के टॉलीगंज कालीबाड़ी में। वहां पहुंचते के साथ ही सोनम जोर से चीखने लगी। थोड़ी देर छटपटाई और उसके बाद वो बेहोश हो गई। बड़ी कोशिशों के बाद जब वो होश में आई तो उसके होठों पर एक ही सवाल था, हम तो शिमला में हनीमून मनाने गए थे, ये कहां आ गए? इस घटना के बाद सोनम और विशाल के साथ और कोई घटना नहीं घटी, लेकिन आज भी जब विशाल से इन पुरानी बातों के बारे में कोई पूछ लेता है तो सोनम का वो डरा हुआ लेकिन डरावना चेहरा उसके सामने घूम जाता है। इस जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं होता, और ना ही इन सवालों का जवाब साइंस के पास होता है।